तो दोस्तों आप सभी लोग का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की फिजिक्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपकी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की फिजिक्स है, तो उसका जो 9 नंबर चैप्टर है सरल लोलक तरंग गति एवं ध्वनि, सिंपल पेंडुलम वेव मोशन एंड साउंड। तो इसी चैप्टर के दोस्तों पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, उसके बाद दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैं भी दोस्तों हो सकता है कि इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी पार्ट ही कवर हो पाए, एक भी क्वेश्चन न हो पाए, तो उसके लिए पार्ट 2 बनाऊंगा। तो जितना भी है आपको सब कुछ इस चैनल पर, इस वीडियो पर आपको बिल्कुल विस्तार से डिटेल से बताया जाएगा। तो आपको क्या करना है, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कोई भी आगे का नया वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले पहुंचेगी। तो दोस्तों 9वां नंबर चैप्टर है, इसके पहले मैंने 1 से 7 नंबर चैप्टर तक करा दी हैं। 8वां चैप्टर देखिए आपके, इसने इस चैप्टर से उतने ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए हैं। और दोस्तों यदि टाइम बचता है इंपॉर्टेंट चैप्टर कराने के बाद तो आपका चैप्टर जरूर से ज़रूर कराया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक जो हेडिंग दी हुई है आवर्ती गति, पेरियोडिक मोशन। और दोस्तों इसको बताने से पहले आपको एक चीज़ और बता दें, 1 से 7 चैप्टर तक जो मैंने वीडियो बनाए हैं उनको जाके आप देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैथ में मैंने 1 से 9 तक के चैप्टर की वीडियो बना दिए हैं, उधर दोस्तों 26, 27, 28, 29 चैप्टर के बना दिए हैं, और केमिस्ट्री में 1, 2 चैप्टर के वीडियो बन गए हैं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा जाके देख लीजिए, और 3रा चैप्टर भी बन गया केमिस्ट्री में। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी वक्त को गवाए हुए। तो पहली दोस्तों यहाँ पर जो हेडिंग है पीरियोडिक मोशन आवर्ती गति, तो आवर्ती गति क्या होती है, देखिए जब कोई पिंड एक निश्चित समय में एक ही पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। देखिए ध्यान से क्या कहा जा रहा है, जब कोई पिंड एक निश्चित समय में ही, समय आपका सेम होना चाहिए, उसके बाद एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं कि आवर्ती गति आपकी जो ये आपका यहाँ पर पेंडुलम या फिर आपका जो झूला होता है उसी तरह की हो, आवर्ती गति आपकी ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन आवर्ती गति में आपको ध्यान रखना है कि एक ही निश्चित समय में एक ही पथ पर बार बार उस गति को दोहराया जाए। अपनी डेली लाइफ में आप इसको ले सकते हैं कि यदि आप कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो आप 9 बजे रोज कॉलेज जाते हैं, फिर कॉलेज से घर आते हैं, फिर 9 बजे कॉलेज जाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर 8 बजे या 9 बजे जितने भी जाते हों, तो आप एक निश्चित समय में उसी चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं। तो यही दोस्तों हम लोग की आवर्ती गति होती है, इसी को आवर्ती गति कहते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, मतलब कि निश्चित पथ में वह गति बार बार उसी पथ पर दोहराई जाए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे कंपन गति, वाइब्रेटरी मोशन। देखिए ये कंपन गति क्या होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है जब कोई पिंड आवर्ती गति में, आवर्ती गति आपको याद रखना है जो कंपन गति होती है वो आवर्ती गति में ही होती है, तो जब कोई पिंड आवर्ती गति में एक ही पथ पर एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है तो पिंड की जो गति होती है उसको कंपन गति या दोलन गति कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं इसे। तो याद रखना है वाइब्रेटरी मोशन हो चाहे ऑसिलेटरी मोशन हो, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ये बोली गई है निश्चित बिंदु के इधर उधर, मतलब कि जो कंपन गति होती है वह टू एंड फ्रो होती है, मतलब कि इस बिंदु के इधर इधर दोस्तों गति होती है, इधर इधर गति होती है, तो टू एंड फ्रो इसी कहते हैं। तो एक निश्चित बिंदु होगा, मान लीजिए ये कोई निश्चित बिंदु है, इसके इधर गति हो रही है, इसके इधर गति हो रही है, इसके इधर गति हो रही है, पहले यहाँ जाएगा फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ आएगा फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ जाएगा ऐसे आएगा, तो इसी को दोस्तों हम लोग टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। तो एक ही पथ पर निश्चित बिंदु पर आपकी गति होती है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में समझाया भी गया है कि यहाँ पर सरल लोलक आवर्ती गति करता है, चित्र में एक सरल लोलक प्रदर्शित है, यहाँ पर जो एक आपका पेंडुलम है वो आपको प्रदर्शित किया गया, जिसके गोलक की स्थिति साम्य स्थिति ओ है, मतलब कि जो आपकी यहाँ पर साम्य स्थिति है वो आपकी ओ पर है। उसके बाद यदि हम गोलक को साम्य स्थिति ओ से ए पर ले जाएँ, इसको हम इधर ले जाएँ, जैसे कि मैंने बताया इसको इधर ले जाएँगे, उसके बाद ओ तक ले जाएँ, तो गोलक की स्थिति ए और बी की भी दोलन करने लगी, हमने इसको यहाँ से ले जाके यहाँ छोड़ा, फिर ऐसे ऐसे गति करने लगेगा, ऐसे ऐसे गति करने लगेगा, तो उसी के बारे में बताया गया। अब देखिए जो यहाँ पर अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट है, क्या है यहाँ पर, गोलक का ओ से ए तक जाना है, ओ से ए तक जाना, फिर दूसरी ओर स्थिति बी तक जाना। देखिए फिर से देखिएगा, गोलक का ओ से ए तक जाना, फिर ए से ओ तक आना, और फिर यहाँ से बी तक जाना, फिर ओ तक आना,
तो ये दोस्तों पूरा एक दोलन होता है अथवा एक कंपन कहलाता है। देखिए मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है, ये आपकी मीडियन स्थिति हो, माध्य स्थिति हो गई, तो इसका यहाँ से यहाँ तक जाना फिर वापस आना और फिर यहाँ तक जाना फिर यहाँ तक वापस आना, तो ये पूरा कहलाता है दोस्तों एक कंपन, ये आपका एक दोलन कहलाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक कंपन क्या होता है, यहाँ तक जाना वापस आना फिर यहाँ तक जाना फिर यहाँ वापस आना, तो इसी दोस्तों एक कंपन कहते हैं। अब बाकी दोस्तों जो आपका सिंपल पेंडुलम है इसके जो आवर्तकाल का पीरियोडिक टाइम है, टाइम पीरियड है, इसका आपका फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला क्या है, फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल टू 2π रूट के अंदर एल अपॉन जी। तो ये दोस्तों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह यूज होगा और पिछले चैप्टर्स में भी कुछ जगह यूज हुआ था, जो आपका गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर था उसमें भी काफ़ी जगह यूज हुआ था, 2π और इनटू में रूट के अंदर एल अपॉन जी। तो ये आपको फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहाँ पर इसका जो ग्राफ है वो भी बनाया गया है, देखिए ग्राफ में क्या बताया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सरल लोला का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों है, जो सरल लोला का आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, द्रव्यमान कुछ भी हो दोस्तों द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं है, डिपेंड नहीं होता है किस पर दोस्तों, मास पर, यह मास पर डिपेंड नहीं होता है। यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वह मास पर डिपेंड नहीं होता, आपको याद रखना है, लिख के रख लेना, जो टाइम पीरियड है मास पर डिपेंड नहीं करता, आपके क्वेश्चंस भी इस पर होंगे। तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आगे कि सरल लोलक की लंबाई एल तथा आवर्तकाल टी के जो टी आवर्तकाल का वर्ग होता है उसके बीच बना ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित होता है। देखिए ये है एल, ये है टी स्क्वायर, तो इसके बीच में जो ग्राफ होगा सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित होगा, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों जितना आपका टी स्क्वायर बढ़ेगा उतना आपका एल बढ़ेगा, यदि लंबाई बढ़ रही है तो आपका जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ेगा, तो ये आपको याद रखना है। जो सरल लोलक की लंबाई होगी वो आवर्तकाल जो होगा, यदि लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल भी उसका उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सरल लोलक सेकेंड पेंडुलम होता क्या है। देखिए वह सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है सेकेंड लोलक कहलाता है। जो आपका सेकेंड पेंडुलम होता है वह क्या होता है, वह सरल लोलक, ये एक सिंपल पेंडुलम होता है जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है सेकेंड लोलक कहलाता है। सरल लोलक की लंबाई 1 मीटर होती है, ये आपको याद रखना, जो सरल लोलक की लंबाई होती है कितनी होती है, 1 मीटर। सेकेंड लोलक है दोस्तों सरल लोलक नहीं, सेकेंड लोलक की जो लंबाई होती है, सेकेंड पेंडुलम की जो लंबाई होती है वह दोस्तों यहाँ पर 1 मीटर होती है, आपको याद करके रखना है, आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में जो सेकेंड पेंडुलम की लंबाई होती है 1 मीटर होती है। अब दोस्तों इसी पेज में एक चीज़ मैंने अभी यहाँ पर मिस किया है कि क्या सभी आवर्त गतियाँ कंपन गतियाँ हो सकती हैं। देखिए मैं लिख भी देता हूँ, क्या सभी आवर्ती गति कंपन गति हो सकती हैं, कंपन गति हो सकती हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा यहाँ पर एक चीज़ और बनती है, ये पहली चीज़ हो गई, ये हो गई दूसरी चीज़, क्या सभी कंपन गतियाँ, जो सभी कंपन गति होती हैं आवर्त गति हो सकती हैं, आवर्त गति हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे आपको डिफाइन करना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या सभी आवर्ती गति कंपन गति हो सकती है, मतलब कि आवर्ती गति मैंने आपको बताया कि ये ऐसे भी चक्कर लगा सकती है, इसी पथ को दोहरा सकती है, निश्चित समय में ऐसे भी दोहरा सकती है, लेकिन जो कंपन गति मैंने बताया कि वो उसका आपका एक निश्चित बिंदु के इधर और उधर होगी, तो क्या सभी आवर्त गतियाँ कंपन गतियाँ हो सकती हैं, नहीं हो सकती, क्योंकि आवर्त गति आपकी इस तरह की भी हो सकती है लेकिन कंपन गति हमेशा इस तरह की होगी। अब देखिए दूसरा है, क्या सभी कंपन गति आवर्त गति हो सकती है, मतलब ये कंपन गति के कहने का मतलब ये है कि ये एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक निश्चित पथ पर और निश्चित समय में गति करती है। तो जो आवर्त गति में मैंने बताया था कि आवर्त गति जो होती है एक निश्चित पथ पर, मतलब कि जरूरी नहीं है कि इधर उधर हो, अगर इधर उधर है तो कोई भी बात नहीं है, वो भी उसमें ले लिया जाएगा, तो एक निश्चित पथ पर एक निश्चित समय में उसी पथ पर बार बार गति करती है। तो यहाँ पर है क्या सभी कंपन गति आवर्त गति हो सकती हैं, तो बिल्कुल हो सकती हैं। तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको याद रखना है, मे भी दोस्तों आपके क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, आगे होगा भी। तो चलिए अब आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जो नेक्स्ट पेज पर दिए हुए कुछ आपके इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी देखेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा मैं कैमरे को जूम कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से विजुअलाइज हो पाएगा, आप और अच्छे से इसको देख पाएंगे।
तो अब आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आवर्त गति से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन रिलेटेड टू द पीरियोडिक मोशन। सबसे पहले आवर्त काल है, तो वस्तु को एक दोलन करने में जितना जितना समय लेती है उसे उस दोलन का आवर्त काल कहते हैं। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक दोलन कब हुआ था, जब ये जो माध्य स्थिति से कोई वस्तु यहाँ तक गई, फिर यहाँ तक आई, और यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ तक आई, तो पूरा एक दोलन या एक कंपन हुआ। तो इसमें जितना समय लगेगा उसी को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। तो एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं, याद रखना है, टाइम पीरियड उसी को बोलते हैं। फिर है दोस्तों फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, दोलन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितने दोलन करती है, दोलन करने वाली वस्तु, तो यहाँ पर यह दोलन करने वाली वस्तु है, यह एक सेकंड में यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ तक जितनी बार आ पाएगी तो वही उसकी आवृत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोलन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितने दोलन करती है वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो एक सेकंड में जितनी बार दोस्तों जितने कंपन कर लेगी उसी को हम लोग इसकी आवृत्ति बोलेंगे। तो यहाँ इसका फॉर्मूला दिया हुआ है कि इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई वस्तु एक सेकेंड में एन दोलन करे, मान लेते हैं कोई है n, n का मान कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो मान, तो यहाँ पर यदि कोई वस्तु एक सेकंड में n दोलन करे तो दोलन का समय क्या होगा, टी इज इक्वल टू 1/n या फिर n बराबर 1/t। तो जो आपकी आवृत्ति होगी वह जो टाइम पीरियड है उसके जस्ट व्यतिक्रमानुपाती होगी, और इधर जो टाइम पीरियड है आवृत्ति के व्यतिक्रमानुपाती होगा, याद रखना है आपको, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, दोलन करते समय वस्तु की किसी क्षण साम्य स्थिति से दूरी को विस्थापन कहते हैं। दोलन करते समय वस्तु की किसी क्षण साम्य स्थिति से दूरी को, अब देखिए मान लीजिए ये वस्तु दोलन कर रही है, अब ये साम्य स्थिति से कितनी दूरी पर है, जितनी दूरी पर होगी यही आपका विस्थापन कहलाता है। जितनी दूरी पर यहाँ से होगी साम्य स्थिति से उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं, याद रखना है। दोलन करने वाली वस्तु साम्य स्थिति से जितनी दूरी पर होती है उसी को हम लोग विस्थापन बोलते हैं, वही दूरी आपकी विस्थापन कहलाती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में जो दिया हुआ है, नेक्स्ट हेडिंग आयाम। आयाम क्या होता है, दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति के किसी भी ओर अधिक से अधिक जितनी दूरी जा सकती है वह दूरी दोलन का आयाम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि ये आपकी कोई वस्तु है, दोलन कर रही है, मैक्सिमम ये यहाँ तक जा सकती है, इसके आगे वह मतलब कि वह जा ही नहीं पाएगी, और इधर भी दोस्तों ये इतना जा सकती है, तो जो दोस्तों इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो इक्विलिब्रियम होगी कंडीशन, वहाँ से जो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग आयाम बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। आयाम क्या होता है, दोलन करने वाले वस्तु अपनी साम्य स्थिति जो उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है उससे किसी भी और अधिक से अधिक जितनी दूरी जा सकती है वह दूरी दोलन का आयाम कहलाती है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों आगे है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट, थोड़ा मैं इसको अब आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है आपको बहुत ही अच्छे समझाऊंगा, समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है सरल आवर्त गति कंपनी अथवा दोलनी गति का सरल रूप है, सबसे सरल रूप है। इसके तीन लक्षण होते हैं, यह गति एक स्थिर बिंदु मतलब कि साम्य स्थिति के इधर उधर सीधी रेखा में गति करती है। अभी आपको अंतर बताऊँगा कि जो सरल आवर्त गति होती है जो कंपन गति होती है उसमें अंतर क्या होता है। आगे देखिए, गतिमान वस्तु का त्वरण सदैव उस बिंदु से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। त्वरण की दिशा सदैव साम्य स्थिति की ही ओर होती है। अब देखिए कैसे दोस्तों, इसको हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यह गति साम्य स्थिति के इधर उधर सीधी रेखा में होती है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो जैसे कि जब इधर हम गति कराते हैं सिंपल पेंडुलम की, तो ये जो गति होती है ऐसे आपकी होती है, यहाँ पर ये सीधी रेखा नहीं होती, जो इसकी गति करने की वो होती है आपकी सीधी रेखा नहीं होती। लेकिन जो दोस्तों सरल आवर्ती गति होती है आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखिए हार्मोनिक बोलें या पीरियोडिक बोलें बात है कि सिंपल पीरियोडिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो जो सिंपल आपकी हार्मोनिक मोशन होती है उसमें दोस्तों जो आपकी गति होगी वह एक सीधी रेखा में होगी। सीधी रेखा कैसे होगी, हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी बहुत ही कम है और ये एक सीधी रेखा में होती है, तो इसी को दोस्तों हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। इसमें जो आपकी ये रेखा होती है सीधी रेखा होती है। आगे दोस्तों देखिए लिखा हुआ है
गतिमान वस्तु का त्वरण सदैव उस बिंदु से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, जो इसका यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चलेगा, जो आपकी वस्तु यहाँ से यहाँ तक दूरी चलेगी, तो वह जो उसका त्वरण होगा उसके जस्ट अनुक्रमानुपाती होता है आपका जो विस्थापन होता है। आगे दोस्तों, त्वरण की दिशा सदैव साम्य स्थिति की ही ओर होगी, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो जो इसकी दिशा होगी लेकिन ओ की तरफ की होगी, ओ आपकी साम्य स्थिति है। यदि ये ऐसे दोस्तों ये ऐसे जाएगा तो इसकी जो त्वरण की दिशा होगी यहाँ पर होगी ओ की ओर, मतलब कि जो त्वरण की दिशा ए की ए होगी वो ओ की ओर होगी। कैसे दोस्तों, देखिए ये यहाँ से यहाँ इधर जा रहा है लेकिन जो इसके त्वरण की दिशा होगी वह आपकी इधर ही होगी, ए जो इधर इधर की ओर ओर ही लगेगा, तो आपका यह भी आपको याद रखना है। आगे दोस्तों, तो कुछ नोट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, वक्र बी ओ ए, ये बी ओ ए को थीटा के अति अल्प होने पर एक सरल रेखा माना जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि जब इसको हम बहुत छोटा मान लेंगे ये वाला, तो जो आपकी है होगी सरल रेखा में हो जाएगी, तब उस स्थिति में दोलक की गति आवर्ती गति सरल आवर्ती गति कहलाती है, उसी को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो यही मैंने आपको भी बताया हुआ था। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें सारणी दी हुई है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है। देखिए कैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कण का वेग, त्वरण विस्थापन, कण के धनात्मक महत्तम विस्थापन बिंदु पर, माध्य स्थिति पर, कण के ऋणात्मक महत्तम बिंदु पर। देखिए कैसे इसको मैं आपको थोड़ा इस तरह समझाऊँगा, मानते हैं ये आपका मैक्सिमम निगेटिव आपका विस्थापन है, और इधर दोस्तों ये आपका मैक्सिमम पॉजिटिव विस्थापन है, और ये दोस्तों आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम जो आपकी कंडीशन है, ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कण का जो वेग होगा कण के धनात्मक बिंदु पर न्यूनतम अथवा शून्य होगा, मतलब कि दोस्तों देखिए यहाँ से हमने किसी वस्तु को गति कराना शुरू किया, सिंपल हार्मोनिक मोशन कराना शुरू किया, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, जब दोस्तों अंत बिंदु पर पहुँचेगी तो ये कुछ रुकेगी, तो उतने समय इसका वेग कितना होगा, जीरो होगा, अर्थात मिनिमम होगा, तो ये आपको याद रखना है। आगे दोस्तों, फिर माध्य स्थिति पर महत्तम होगा। देखिए दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने जब इसको धक्का देकर छोड़ा या फिर किसी तरह इसको जब गति कराई, तो जब यहाँ से इसकी गति कराएंगे ऐसे जाएगी ये, जब दोस्तों देखिए यहाँ तक जाएगी, इधर जाते जाते इसकी गति धीमी हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर शून्य हो जाएगी फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होगी दोस्तों, जब ये अपने माध्य स्थिति पर होगी इसकी सबसे ज़्यादा गति होगी, तो मैक्सिमम गति कहाँ पर होगी, मैक्सिमम जो आपका वी होगा वह होगा माध्य स्थिति पर, वी मैक्सिमम आपका कहाँ होगा, माध्य स्थिति पर। आगे कण के ऋणात्मक बिंदु पर, विस्थापन बिंदु पर जो आपका वेग होगा शून्य होगा, वही दोस्तों मैक्सिमम पॉजिटिव जो आपका विस्थापन था वहाँ पर भी शून्य, और जब दोस्तों देखिए यहाँ से ये ऐसे गई यहाँ पर शून्य हो गई, फिर यहाँ से दोस्तों इधर आ रही है और यहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा हो गई, फिर इधर दोस्तों ये जाएगी तो जब यहाँ पर पहुँचेगी फिर इसका शून्य हो जाएगा, फिर दोस्तों इधर से आएगी फिर मैक्सिमम पर इसका जो होगा सबसे ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा वेग, तो आपको ये समझ में आ गया होगा वेग का आपको क्या इसमें फंडा है। आगे दोस्तों, त्वरण है, महत्तम मापांक ए होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ पर, तो आपको पता है दोस्तों जब ये इधर से जाएगा ऐसे तो यहाँ से दोस्तों शुरू करेगा थोड़ा, मतलब कि आपकी जो गति होगी आपकी तेज होगी, फिर उसके बाद इधर से जाते जाते यहाँ पर धीमी हो जाएगी, तो यहाँ पर जो आपका त्वरण होगा वह दोस्तों यहाँ पर आपका मैक्सिमम हो जाएगा, जो आपके वेग में परिवर्तन होगा वह आपका धीमा होता जाएगा, लेकिन जो वेग में परिवर्तन है वो आपका तेज़ी से होगा, लेकिन जो वेग होगा वह आपका कम होता जाएगा। आगे माध्य स्थिति पर यहाँ पर शून्य हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए जो होगा जीरो हो जाएगा, फिर दोस्तों यहाँ पर फिर मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पर जो वी होगा आपका मिनिमम अर्थात जीरो हो जाएगा। सेम दोस्तों आपको ये वाला याद करना है, जो इधर होगा वही आपका इधर हो जाएगा। आगे विस्थापन, आपको पता है कि यहाँ से जब यहाँ तक आएंगे जो इसका विस्थापन होगा सबसे ज़्यादा होगा, अब यहाँ पर होंगे तो ज़्यादा तो होना नहीं है, जब यहाँ पर इसके आएंगे जहाँ पर इसका जो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट है यहाँ पर है, तो जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसका जो विस्थापन होगा कितना होगा, मैक्सिमम होगा जो आपका डी होगा मैक्सिमम होगा, इधर भी दोस्तों डी होगा मैक्सिमम होगा, और उसके बाद यहाँ पर जब कुछ विस्थापन ही नहीं होगा माध्य स्थिति पर तो यहाँ क्या होगा, डी आपका जीरो होगा। तो वही दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, माध्य स्थिति पर शून्य होगा और कण के महत्तम धनात्मक बिंदु पर भी आपका मैक्सिमम और ऋणात्मक महत्तम बिंदु पर भी आपका मैक्सिमम,
तो आज दोस्तों ये चीज़ आपको इतनी सारणी जो यहाँ पर दी हुई है ये आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अब बढ़ते हैं हम लोग वेव मोशन की तरफ। तो वेव मोशन दोस्तों क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये बोलता है दोस्तों जब कोई वस्तु किसी माध्यम में कंपन करती है, जब कोई वस्तु किसी माध्यम, माध्यम के रूप में आप कोई अपना मेटेलिक माध्यम भी ले सकते हैं, उसके बाद आपका नॉन मेटेलिक भी माध्यम हो सकता है। तो जब कोई वस्तु किसी माध्यम में गति करती है तो वह माध्यम के उन कणों को गतिमान कर देती है। माध्यम में गति कर रही है, उनके जब गति करेगी तो उनके जो कण होंगे उनको गतिमान करेगी, तो जो उसके समीप एक माध्यम में एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, मतलब कि डिस्टर्बेंस। आपको जैसे कि आप लोग किसी बंद, मान लीजिए आपने कोई ढक्कन ले लिया, वहाँ पर आपने यदि कुछ गति कराई तो वहाँ पर आपको थोड़ा एक आवाज़ उत्पन्न होती है, तो वही आपकी डिस्टर्बेंस होती है, उत्पन्न होती है। इसी को दोस्तों वेव मोशन बोलते हैं। जो वहाँ पर गति होती, जो आपकी वहाँ पर गति होती है वो वहाँ पर वेव मोशन होती है। इसी विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग वेव मोशन कहलाती है, मतलब कि तरंग गति कहलाती है। तो ये आपको समझ में आया होगा, जब कोई वस्तु किसी माध्यम में गति करती है तो वह माध्यम के उन कणों को गतिमान कर देती है जो उसके समीप होते हैं, उसके बाद जब उसके समीप होंगे तो इस प्रकार उसके जो विक्षोभ होगा, जो आपका डिस्टर्बेंस होगा उत्पन्न होगा, डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा, तो यही जो डिस्टर्बेंस होता है आपका वेव मोशन होता है, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है। आगे दोस्तों देखिए लिखा हुआ है, तरंग गति में माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। साम्य स्थिति मान लीजिए इधर है तो ये दोनों तरफ ऐसे ऐसे कंपन करने लगते हैं। आगे वाले कणों की गति कुछ समय बाद पीछे वाले कणों की गति के समान होती है। यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये गति कर रहा है, मान लीजिए ऐसे 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 दोस्तों इसके माध्य स्थिति के इधर उधर गति कर रहा है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो आगे वाले कण की गति कुछ समय बाद पीछे वाले कणों की गति के समान हो जाती है। ये कब होगी, जब दोस्तों आपकी एनर्जी लॉस होगी। जब आपकी एनर्जी लॉस होगी तो जो गति होगी वह धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। पहले मान लीजिए आपकी खूब तेज थी, धीरे धीरे ऐसे ऐसे फिर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। यहाँ पर तेज तेज हो रही थी, फिर ऐसे धीरे 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 बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो जो आगे वाले कणों की गति होगी पीछे वाले कणों की गति के समान हो जाती है कुछ समय बाद, जब उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है। फिर उसके बाद तरंग के रूप में ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है, वही दोस्तों यहाँ पर बोला गया है। जबकि माध्यम के कण अपने स्थान पर रहते हैं, जो ऊर्जा होती है उसका संचरण होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन जो कण होते हैं वह अपने ही स्थान पर होते हैं। तो यही आपको यहाँ पर मैं बता रहा था। आगे देखिए टाइप्स ऑफ वेव्स, जो तरंग के प्रकार है वह कितने प्रकार की होती है। तो कणों के कंपन की दिशा के अनुसार, यहाँ पर आपको याद रखना है कणों के कंपन की दिशा के अनुसार जो टाइप्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। किसके आधार पर होते हैं, कणों के कंपन की दिशा के अनुसार। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। अब देखिए क्या है, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जो तरंग चल रही होगी उसके लंबवत यदि आपके कण कंपन करेंगे तो उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है इन तरंगों के उठे हुए भाग को सुरंग और दबे हुए भाग को गर्त बोलते हैं। जो इसका उठा हुआ भाग होता है उसको सुरंग, दबे हुए भाग को गर्त, इसको सुरंग गर्त, सुरंग गर्त। जो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं ऐसे गति करती हैं, ये आपका सुरंग, ये गर्त, सुरंग ये गर्त, ये सुरंग ये गर्त, ये सुरंग ये गर्त, आपको याद रखना है। तो उठे हुए भाग को सुरंग और दबे हुए भाग को गर्त कहते हैं। जैसे कि जल में पत्थर फेंकने पर जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। सितार के तार में उत्पन्न जो कंपनों में जो तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे ही उसमें जो कंपन उत्पन्न करती हैं। जैसे कि जल में आप पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ पर जो तरंगे उत्पन्न होगी वह अनुप्रस्थ तरंगे होती है। आपको याद रखना है जो सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगे होती हैं उनको अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। आपको सिंपल भाषा में याद रखना है जो सतह पर उत्पन्न होती है जो लंबवत होती हैं। उसके बाद अनुप्रस्थ तरंगे ठोसों और ध्रुवों के तल पर उत्पन्न होती है। वही दोस्तों यहाँ पर बताया गया है तल पर उत्पन्न होती हैं ठोस और ध्रुवों के, उनके भीतर नहीं। ये तरंगे गैसों में उत्पन्न नहीं हो सकती। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी तरंगे गैसों में उत्पन्न नहीं होती, तो आपके सामने अनुप्रस्थ तरंगे एक ऑप्शन होगा, तो वही आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं उनको देखेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, मतलब कि जो माध्यम के कण होंगे जिस दिशा में आपकी तरंग होगी उसी के समांतर जो होते हैं आपके कण भी कंपन करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाते हैं। ये तरंगे संपीड़न और विलयन के रूप में आगे बढ़ती हैं। जैसे कि दोस्तों आपको एग्जांपल दें स्प्रिंग का, मान लीजिए स्प्रिंग को आपने यहाँ पर हैंग कर दिया है, उसके बाद इसको इस तरह स्प्रिंग होती है आपकी, इसको खींचेंगे तो दोस्तों जो माध्यम के कण होंगे वह
जो तरंग गति होगी उसी के समांतर आते हैं, समांतर आएंगे, उसके बाद जब आप इसको छोड़ेंगे तो आपका जो होगा उसी के समांतर जाएंगे। तो जो दोस्तों आप जब खींचते हैं तो आपका विलयन होता है, जब आप छोड़ते हैं तो आपका संपीड़न होता है। तो वही दोस्तों यहाँ बोला गया है कि तरंगें संपीड़न और विलयन के रूप में आगे बढ़ती हैं। हवा में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। जो हवा में दोस्तों तरंगें होती हैं तो वह कौन सी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें, आपको याद रखना है। आगे स्वरित्र द्विभुज से उत्पन्न तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, जो आपकी ट्यूनिंग फॉर्क होती है, तो उसमें जो तरंगे उत्पन्न होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। आगे ध्वनि तरंगों में कुछ बिंदुओं पर संपीड़न तथा कुछ बिंदुओं पर विलयन उत्पन्न होता है, जैसे मैंने भी आपको यहाँ पर बताया हुआ है। आगे ये संपीड़न विलयन हवा में तरंग की दिशा में आगे बढ़ते हैं। संपीड़न वाले बिंदुओं पर हवा का घनत्व और दाब सामान्य की अपेक्षा अधिक होता है। अब ये यहाँ पर आपको याद रखना है, जहाँ पर संपीड़न होगा वहाँ पर जो आपका दाब होगा और जो घनत्व होगा, डेंसिटी जो होगी आपकी और जो आपका प्रेशर होगा, जो नॉर्मल से कैसा होगा, अधिक होगा। और जो आपका विलयन होगा वहाँ पर बिंदुओं पर दाब और घनत्व तो कम होते हैं। जहाँ पर दोस्तों आपका विलयन होता है वहाँ पर आपका जो डेंसिटी और जो आपका प्रेशर होता है वह नॉर्मल, मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है बिंदुओं पर घनत्व और दाब कम होते हैं, नॉर्मल से क्या होते हैं, कम होते हैं। ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, आपके विकल्प में आपका पूछा भी गया होगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर तरंगों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है। देखिए यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं। एक सेकंड में हुए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, जैसे कि यहाँ पर भी आपको बताया गया था कि एक सेकंड में होने जितने दोलन होते हैं वही आपकी आवृत्ति कहलाती है, तो वही यहाँ पर भी है। दोलन या कंपन बात एक ही है, एक सेकेंड में हुए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। वेव लेंथ क्या होती है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है। माध्यम के कण के एक कंपन करने में लगे समय में जितनी दूरी तय करती है, एक कंपन दोस्तों जितना होगा मतलब जितनी दूरी तय करेगी दो निकटतम, उसी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। जितनी दूरी दोस्तों तय करती है उसी को हम लोग यहाँ पर वेव लेंथ बोलते हैं, वहाँ पर क्या बोलते थे, एक दोलन, तो इसी को वेव लेंथ बोलते हैं। तो माध्यम के कण के एक कंपन करने में जितना समय लगता है, समय में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसको दोस्तों वेव लेंथ बोलते हैं। आगे दो निकटतम संपीड़नों तथा विलयनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। दो निकटतम संपीड़न और दो निकटतम विलयन के जो बीच की दूरी होगी वह आपकी क्या कहलाती है, यहाँ पर तरंग दैर्ध्य कहलाती है। आगे दोस्तों तरंग चाल क्या होती है, तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी तरंग चाल कहलाती है। एक सेकंड में चली गई दूरी आपकी तरंग चाल कहलाती है। आगे दोस्तों पढ़ेंगे, कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, ये आपके रिलेशन दिए हुए हैं तरंग चाल आवृत्ति से तरंग दैर्ध्य में। तो यहाँ पर जो तरंग चाल होती है आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होती है, जो आपकी तरंग चाल होती है आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होती है। तरंग दैर्ध्य यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके गुणनफल के बराबर, तरंग चाल को v से, आवृत्ति को n से, इसको लेमडा से, तो v बराबर n लेमडा, उसके बाद n बराबर आपको पता है क्या होता है, 1/t लेमडा, तो v बराबर लेमडा बाई टी। तो जैसे कि आपको पता है v बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये आपकी दूरी हो जाती है, ये आपका समय हो जाता है। तो वही दोस्तों है, बस इसमें क्या हुआ, तरंग दैर्ध्य वहीं पर हो गई, मात्रक भी आपका सेम होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तरंग चाल, तो v बराबर n लेमडा और n बराबर 1/t से आप निकाल लेंगे तो उसका वो आपका आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला, v बराबर लेमडा बाई टी। अब आगे दोस्तों देखेंगे जो आपकी लास्ट, इस वीडियो का लास्ट जो आपकी हेडिंग होगी, जो बाकी हेडिंग्स हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराई जाएंगी। आगे देखिए लिखा हुआ है तरंग की ऊर्जा अथवा तीव्रता, जो इंटेंसिटी ऑफ वेव होती है वही आपकी एनर्जी ऑफ वेव होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी स्थान पर तरंग की ऊर्जा अथवा तरंग की तीव्रता कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यदि कंपन के आयाम का वर्ग करें तो जो वो दोस्तों बढ़ेगी उतनी आपकी ऊर्जा बढ़ती है। सिंपल सा फंडा आपका यही बताया गया है, जो आपकी आयाम होता, जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ वेव होती है वह आपके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ये आपको याद रखना है, आपके क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ वेव होती है वह किसके समानुपाती होती है। वहाँ पर आपके समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती के कुछ आपके ऑप्शन होंगे, उसी में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। तो आई होप दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, पीरियोडिक मोशन से लेकर वाइब्रेटरी मोशन, उसके बाद फिर आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन और फिर वेव मोशन, काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं यहाँ पर
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके बाद मैकेनिकल वेव्स, साउंड वेव्स, तो उसके बाद इको, तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जब नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।